दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पांच ऐसे टॉप के डैश कैम्स जिनको आप 3000 रुपए के अंदर परचेज कर सकते हैं। ये सारे फीचर रिच डैश कैम है जिनको आप अपनी कार में लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेकगैजेट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेकगैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डैश कैमरा है क्यूबो का डैश कैमरा प्रो एक्स। हाँ जी, इसमें क्या है, इसमें आपको 3 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेंस मिलता है जो कि फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है 1296 पिक्सल एट द रेट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। इसमें बिल्ड इन आपको माइक्रोफोन भी मिलता है, तो आपकी जो है ना वॉइस है, वॉइस भी इसमें रिकॉर्ड हो सकती है अंदर वाली, ठीक है। तो ये बेसिकली अच्छा है, आप व्लॉगिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वीडियो तो शूट करेगा साथ साथ आपकी ऑडियो पे शूट कर सकता है। इसमें जी सेंसर मिलेगा जो कि आपकी इमरजेंसी रिकॉर्डिंग कर सकता है। क्या होता है, कई बार सडन इम्पैक्ट होता है ना, तो उसको ये अलग से ही रिकॉर्ड करके और अलग से ही सेव कर लेता है। इसमें आपको लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है क्योंकि इसमें WDR स्टेबल लो लाइट परफॉर्मेंस का फीचर दिया हुआ है। इसको आप 360 डिग्री ना रोटेट कर सकते हैं, आगे पीछे पूरा गोल आप घुमा सकते हैं, ठीक है। इसमें ना बिल्ट इन आपको कैपेसिटर मिलता है जो कि आपको -5 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होगा उसके बीच में बढ़िया काम करेगा। उससे कम और उससे ज़्यादा का टेम्परेचर बाई चांस हुआ तो बहुत परेशानी हो सकती है, ठीक है। इसमें आपको एप्लीकेशन मिल जाती है जिसको आप अपने हॉटस्पॉट के थ्रू इसको कनेक्ट करके आप इसके जो वीडियोस हैं वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लैप्स जर्नी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लूप रिकॉर्डिंग का भी इसमें फीचर मिलता है। इसमें आपको 1 TB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है ये, लेकिन इसमें मुझे बस एक कमी लगी, इसमें आपको GPS नहीं दिया गया है। लेकिन यार अब इतने कम प्राइस में GPS भी लोगे क्या। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट डैश कैम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा CP+ की तरफ से CP+ CPAD H2BW का डैश कैम। इसमें आपको 1080 पिक्सल की फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। इसमें भी आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन मिलता है, इसमें भी आपको जी सेंसर मिल जाता है जो कि सडन इम्पैक्ट को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लेता है और उसको अलग से सेपरेटली सेव करता है। सेपरेटली सेव करने का मतलब ये होता है कि इन सभी कैमराज में ना लूप रिकॉर्डिंग का फीचर होता है। जैसे आपका मेमोरी कार्ड फुल होने लगा तो पुरानी वाली वीडियो को ना डिलीट करके नई वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो इस तरह का जो सडन इम्पैक्ट वाली वीडियोज होती है इनको ये अलग से सेव करता है, उनको डिलीट नहीं करता है, ठीक है। 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें कैमरा मिलता है, वाईफाई का भी इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। एप्लीकेशन के थ्रू आप इसमें सारा तामझाम कर सकते हैं, अपने मोबाइल में वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है 512 GB का। वाइड एंगल लेंस आपको इसमें मिलता है, लेकिन इसको आप 360 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा आप हल्का सा ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन पूरा 360 डिग्री रोटेट आप इसको नहीं कर सकते। GPS आपको इसमें भी नहीं मिलता है। चलिए अगला हमारा डैश कैम है हिकविजन की तरफ से, हिकविजन का डैश कैमरा। इसमें भी आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, 1080p की फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें मिल जाती है। इसमें आपको 102 डिग्री का वाइड एंगल लेंस मिलता है। इसमें जो मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है ये अप टू 128 GB तक करता है। ये भी वाईफाई के सिग्नल क्रिएट करता है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और अपने इसकी एप्लीकेशन के अंदर आप इसकी जो वीडियोस हैं वो डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। इसमें भी आपको नाइट विजन कैमरा मिल जाता है, इसमें भी आपको बिल्ट इन जी सेंसर मिल जाता है, इसमें भी आपको बिल्ट इन माइक और स्पीकर मिल जाता है। अगला हमारा डैश कैम है DJI मिनी का डैश कैमरा। इसमें भी आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है 1080 पिक्सल की, लेकिन इसमें आपको जो एरिया कवर का मिलता है ना, जो इसमें आपको मिलता है वाइड एंगल लेंस मिल जाता है आपको 140 डिग्री का, ठीक है, जिसका एपर्चर है 2.0। एपर्चर से अच्छा है आपको जो नाइट विजन की क्लैरिटी मिलती है ना एपर्चर कम होने से, वो बढ़िया मिल जाती है, ठीक है। ये भी आपको 128 GB तक का ही मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। इसमें जो टेम्परेचर, ये जिस टेम्परेचर में बढ़िया काम करेगा वो -25 डिग्री से लेकर के 85 डिग्री सेल्सियस तक ये ठीक ठाक काम करेगा। ठीक ठाक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। इसमें भी आपको सुपर कैपेसिटर मिलता है जिससे कि आप अगर 24x7 इसे रिकॉर्डिंग ऑन भी रखें तो भी कोई आपको इशू नहीं होने वाला। 2 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा मिलता है, 1 इंफ्रारेड फिल्टर इसमें आपको मिलता है। इसमें भी आपको जी सेंसर का सपोर्ट मिलता है। जी सेंसर का सपोर्ट आपको मैंने पहले बताया इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग में काम आता है। हल्का सा शॉक लगा, कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसकी रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड करता ही करता है और उसको अलग से सेव करता है।
इसमें भी आपको एप्लीकेशन का कंट्रोल मिल जाता है, आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो अपनी एप्लीकेशन में डाउनलोड करके मोबाइल में देख सकते हैं। हमारा जो लास्ट डैश कैम है वो है अमेज़ॉन बेसिक्स की तरफ से, अमेज़ॉन बेसिक्स 1080p डैश कैमरा विद डुअल फ्रीक्वेंसी GPS। इसमें आपको वाइड एंगल लेंस मिल जाता है जो कि आपको 150 डिग्री तक वाइड ये सामने से रिकॉर्डिंग करता है। वाईफाई कनेक्टिविटी इसमें आपको मिल जाती है। 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको कैमरा मिल जाता है जिसमें कि आपको CMOS इमेज सेंसर मिल जाता है जो कि आपको 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करके देगा। एप्लीकेशन का इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है, इसमें भी आपको G सेंसर मिल जाता है। इसमें जो आपका SD कार्ड सपोर्ट करता है इसमें भी आपको 128GB तक का ही SD कार्ड आपको सपोर्ट करता है। तो बॉस ये थे टॉप के 5 डैश कैमरास जिनको आप 3000 रुपये के अंदर परचेज कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से आप देख सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तो बस यही था, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।